हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंशु क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पटाखे मिठाई के साथ बहुत ही प्यारा दिवाली स्पेशल गेम लेकर आई हूँ। इस गेम को बच्चों से लेकर बड़े तक सब इंजॉय कर सकते हैं और खूब आराम से गेम खेल सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट नहीं है, सिर्फ हम इसको राउंड में खेलेंगे। वो कैसे, देखिए आप पेपर देख रहे होंगे, इस पर मैंने पटाखे मिठाई तीन बार पटाखे लिखे और तीन बार मिठाई लिखी है, क्योंकि हमारे दिवाली में मिठाई और पटाखे दोनों का ही बहुत अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसी के साथ हम गेम को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आपके मेंबर्स कम हैं तो आप इसका दो राउंड करा सकते हैं और मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आप एक राउंड में ही गेम को फिनिश कर सकते हैं। चलिए, हमारे मेंबर आए फर्स्ट, उन्होंने डाइस को रोल किया, टू आया, तो हमने पहले वाले पटाखे में दो कॉइंस रख दिए। मिठाई के लिए चलेंगे, थ्री आया, वन टू थ्री, फिर पटाखे के लिए सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स। बहुत प्यारा गेम है और फ्रेंड्स, इसी स्माइल के साथ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिक्स थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मिठाई। अरे वेरी गुड, देखिए मेंबर्स के तो मज़े आ गए। थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिए ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। हम एक राउंड और खेल के देख सकते हैं। फाइव वन टू थ्री फोर फाइव, बस आपको दो से ज़्यादा राउंड नहीं कराने हैं। हमारे टू राउंड यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट्स। हम पॉइंट्स कैसे करेंगे, दिवाली है, मेंबर्स को पॉइंट्स भी खूब मिलने चाहिए। यहाँ मैंने दो स्लिप्स बनाई हैं। आप सोचोगे ये क्या है, तो पुराना है, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा इसमें। अब दो स्लिप्स हैं, मेंबर को इसमें से एक स्लिप को पिक करना है। चलिए देखते हैं, मैंने ये वाली पिक करी। अब हमारी किसकी खुली, पटाखों की। तो हम अब जितने भी पटाखे पे कॉइंस होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे ट्विस्टेड पार्ट था इस गेम का। पटाखे खुले हैं तो पटाखों के जितने पे दीवों पे जितने कॉइंस हैं वो हमारे अलग हो जाएंगे। देखिए पटाखों पे बहुत कॉइंस थे इन मेंबर के। अब हमारे जितने मिठाई पे खुले हैं कॉइंस वो मेंबर के काउंट हो जाएंगे। मैं आपको काउंट करके बोर नहीं करना चाहती हूँ। जितने भी मेंबर का कॉइंस आएंगे वो उनके नाम के आगे लिख दिए जाएंगे। इसी तरह अगर मेंबर का मिठाई खुलता तो जितने भी हमारे कॉइंस मिठाई पे होते वो हमारे हट जाते, पटाखों वाले कॉइंस हमारे कैलकुलेट हो जाते और वही मेंबर का स्कोर बन जाता। और जो मेंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करेंगे वो हमारे दिवाली गेम मिठाई पटाखे के विनर बन जाएंगे। आई होप आपको मेरा ये गेम आइडिया पसंद आया हो। थैंक यू, बाय बाय।